हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीडेटिव डॉक्टर। तो आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है हिपेटोमिगैली विथ फैटी लीवर। ये हिपेटोमिगैली और फैटी लीवर दो अलग अलग कंडीशंस हैं, पर ये दोनों साथ में भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिपेटोमिगैली क्या है। और हाँ, हिपेटोमिगैली और फैटी लीवर पर मैंने सेपरेटली वीडियोज बना रखे हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिपेटोमिगैली के बारे में। हिपेटोमिगैली अर्थात लीवर के साइज में बढ़ोतरी हो जाना। जब कभी भी लीवर में स्वेलिंग हो जाता है किसी कारणवश, लीवर का साइज नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, तब उस कंडीशन को हम हिपेटोमिगैली कहते हैं। अभी हिपेटोमिगैली बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। हिपेटोमिगैली होने का बहुत सारे कारण है, जैसे किसी इन्फेक्शन के कारण हिपेटोमिगैली हो सकता है। किसी इन्फेक्शन के कारण हमारे लीवर का साइज बढ़ सकता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाए, इन सभी चीजों के कारण हो सकता है कि हमारे लीवर का साइज बढ़ जाए। अब देखिए, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो हमारा लीवर हो, वो हमारा स्टमक, हमारे पेट हो, हमारा हार्ट, हमारा हृदय हो, हमारा किडनी हो, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी ऑर्गन का एक फिक्स साइज है और उसी फिक्स साइज के अकॉर्डिंग वो अपने जगह पर स्थित है। पर अगर उसका साइज नॉर्मल से अधिक हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में वो अपने आसपास वाले कुछ ऑर्गन्स को, अपने आसपास वाले कुछ स्ट्रक्चर को वो कंप्रेस करेगा, वो दबाना शुरू कर देगा और उस कारण अलग अलग और कठिनाइयां, अलग अलग और परेशानियां सामने में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये अभी जैसे मैंने बताया इन्फेक्शंस के अलावा अगर हमारे लीवर में सिस्ट हो जाए, ठीक है, सिस्ट के कारण भी हो सकता है, लीवर सिस्ट के कारण भी हमारा हिपेटोमिगैली हो सकता है। किसी तरह का ट्यूमर है लीवर में, उस कारण भी हो सकता है। जेनेटिक भी ये चीज देखा जाता है कि अगर हमारे फैमिली में, हमारा फैमिली हिस्ट्री है हिपेटोमिगैली का, हमारे परिवार में पहले किसी को हिपेटोमिगैली था, हमारे फादर मदर किसी को था, तो चांसेस रहते हैं कि आगे चलकर हमारे फैमिली में ये हिपेटोमिगैली का कंडीशन दोबारा से देखने को मिल सकता है। और इन सभी के अलावा जो सबसे कॉमन, जो सबसे सामान्य कारण है अभी के समय में हिपेटोमिगैली का, वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर अभी के समय में बहुत कॉमन है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों में हमें फैटी लीवर कभी कभार देखने को मिल जाता है। 18, 19, 20, 22 साल के बच्चों में भी हमें फैटी लीवर देखने को मिल सकता है, ठीक है। फैटी लीवर में क्या होता है कि नाम से ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि फैटी लीवर यानी कि हमारे लीवर पर फैट्स का डिपोजिशन। अब फैट्स क्या होता है, तो जो भी कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंस होते हैं, जो भी हाईली फैटी सब्सटेंस होते हैं, वो जाकर हमारे लीवर के सतह पर, हमारे लीवर की ऊपरी सतह पर जाकर जम जाते हैं। उन फैट्स का हमारे लीवर के सरफेस पर डिपोजिशन हो जाता है और लीवर के अंदर भी फैट्स का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे लीवर का एक नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस लीवर में होते हैं। यहां तक कि हम जो दवाइयां खाते हैं, हमने पैरासिटामोल खाया, हमने कोई भी दवा अपने मुंह से लिया, अपने माउथ से खाया, उस दवा का जो प्रोसेस होता है, उस दवा का जो केमिकल रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो सब का सब हमारे लीवर के अंदर ही होता है। तो इसलिए लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। फैटी लीवर में क्या होता है कि फैट्स और कोलेस्ट्रॉल के हमारे लीवर के ऊपर जमा हो जाने के कारण हमारा लीवर जिस ढंग से काम करना चाहिए था, उस सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। अब फैटी लीवर के भी अलग अलग टाइप्स हैं, एक अल्कोहलिक टाइप है, एक नॉन अल्कोहलिक टाइप है। तो ये सब मैंने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है फैटी लीवर वाले वीडियो में, यहां पर उन सभी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको उन सभी चीजों में कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप बेशक बताइएगा, मैं फैटी लीवर पर एक दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करके आप सभी को समझाने का कोशिश करूंगा एक नए वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो देखिए, फैटी लीवर में जो फंक्शन है लीवर का, वो घट जाता है फैट्स के डिपोजिशन होने के कारण। जिस लेवल तक, जिस तरीके से, जितने अच्छे तरीके से हमारे लीवर को परफॉर्म करना चाहिए था, हमारे लीवर को काम करना चाहिए था, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ये तो हुआ एक बात। अब फैटी लीवर में क्या होगा कि फैट्स का डिपोजिशन होगा और उस फैट्स के डिपोजिशन के कारण, हमारे लीवर के सतह पर फैट्स के जम जाने के कारण, लीवर का साइज बढ़ जाएगा। एक नॉर्मल साइज जो होना चाहिए था, उस नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाएगा लीवर, और इसी को तो हम हिपेटोमिगैली कहते हैं। तो इसी कारण से फैटी लीवर के पेशेंट्स में जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो सामान्यतः हम ये पाते हैं कि उन पेशेंट्स में हिपेटोमिगैली भी परसिस्ट कर रहा है। फैटी लीवर ग्रेड वन में कम हमें देखने को मिलता है हिपेटोमिगैली, पर हाँ दिख सकता है, कॉमन है। फैटी लीवर ग्रेड टू और ग्रेड थ्री में तो सामान्यतः हमें मिल ही जाता है हिपेटोमिगैली। तो फैटी लीवर और हिपेटोमिगैली दोनों एक साथ परसिस्ट कर सकते हैं, और
फैटी लीवर के कारण हिपैटोमिगैली हो सकता है, ठीक है। हिपैटोमिगैली होने का एक कारण हम मान सकते हैं फैटी लीवर। इसके सिम्टम, हिपैटोमिगैली विथ फैटी लीवर जो होगा उसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमारे एब्डोमेन, हमारे पेट में काफी दर्द होगा, ठीक है। और जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें हमें एक और फाइंडिंग मिलेगा कि स्प्लीन का जो साइज है वो बढ़ गया है, स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाता है। पेशेंट को वॉमिटिंग आएगा, नोजिया आएगा, पेशेंट का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट को भूख कम लगेगा, इनडाइजेशन होगा, पेशेंट को खाना पचेगा नहीं, पेशेंट का खाना को डाइजेस्ट करने में बड़ा कठिनाई होगा, बहुत परेशानी होगा, ठीक है। ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं हिपैटोमिगैली विथ फैटी लीवर के केस में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि फैटी लीवर आगे चलकर बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है, ठीक है। फैटी लीवर विथ हिपैटोमिगैली ये जो कंडीशन है ये आगे चलकर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी दिखा सकता है अगर ट्रीटमेंट ना किया गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट ना किया गया। इसको हम खुद से मैनेज कर सकते हैं थ्रू डाइट्स, थ्रू एक्सरसाइजेस, हमें इसे मैनेज करना चाहिए। अगर हमने मैनेज नहीं किया तो आगे चलकर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी हमें दिख सकते हैं। इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करके हम कैसे पता करते हैं किसी भी इंसान में कि हिपैटोमिगैली और फैटी लीवर है या नहीं उनके अंदर, तो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो हमारा है अल्ट्रासोनोग्राफी। हम एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और उसमें हमें एक एक चीज क्लियर कट मिल जाता है कि हमारे लीवर का साइज कितना है, अगर फैटी लीवर है तो किस ग्रेड का फैटी लीवर है, ठीक है। ये सभी चीजें हमें देखने को मिल जाती है वहां। उसके बाद हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, फिर लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट से क्या होता है कि चूंकि यहां पर फैटी लीवर का भी कंडीशन आ रहा है तो फैटी लीवर के कारण क्या होगा, हमारे लीवर का फंक्शन गड़बड़ाएगा, और जैसे ही फंक्शन गड़बड़ाएगा तो हमें वो पता करना है, तभी हम उसका सही से इलाज कर पाएंगे। तो वो कैसे पता करेंगे, वो पता करने के लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र तरीका है जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट LFT कहते हैं। इस लीवर फंक्शन टेस्ट में हमें लीवर के फंक्शनिंग का पता चलता है, अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग कंपोनेंट्स के लेवल्स के थ्रू हम ये समझते हैं कि हमारे लीवर का फंक्शन कैसा है, हमारे लीवर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसी अनुसार फिर हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, उस अनुसार हम दवाइयों का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये हुआ LFT। उसके बाद फिर हम अल्कलाइन फॉस्फेट का टेस्ट कर सकते हैं, SGPT, SGOT चेक कर सकते हैं, और लीवर बायोप्सी भी कर सकते हैं। लीवर बायोप्सी जनरली फैटी लीवर में हम नहीं कराते हैं, पर हाँ हिपैटोमिगैली का सिर्फ अगर केस है और फैटी लीवर नहीं है तो फिर हम उसमें बायोप्सी भी कराकर चेक कर सकते हैं कि क्यों है, क्या क्या कोई ट्यूमर हमें दिख रहा है लीवर के सेल्स में, इन सभी चीजों के लिए। अब आगे मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला बात कि इस फैटी लीवर विद हिपैटोमिगैली में प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि ज़्यादा फैटी सब्सटेंस, ज़्यादा फास्ट फूड, ज़्यादा ऑयली और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ना लेने के लिए फ्रेश और लेस कोलेस्ट्रॉल, लेस ऑयली डाइट ही पेशेंट को हम प्रेफर करते हैं लेने के लिए। फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं, बोलते हैं लेने के लिए। और रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैटी लीवर विथ हिपैटोमिगैली के केस में। इसके बाद दवाइयों के बारे में अगर बात करें हम, तो दवाइयां हम इस बेसिस पर देते हैं कि क्या गड़बड़ी और किस लेवल का गड़बड़ी, किस एक्सटेंट तक गड़बड़ी है। अगर फैटी लीवर ग्रेड 1 है तो उस अनुसार हम दवाइयां चलाते हैं। जो हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट था, उस लीवर फंक्शन टेस्ट में हमें जो फाइंडिंग्स मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग दवाइयां देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा हिपैटोमिगैली विद फैटी लीवर का कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें अगर फैटी लीवर ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है और साथ में हिपैटोमिगैली है तो ये थोड़ा और कम्प्लेक्स हो जाता है और इसको मैनेज करना और थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पर पेशेंट को भी अपना ध्यान खुद से रखना बहुत जरूरी है, सारे के सारे प्रिवेंशंस लेना बहुत जरूरी है, सारे के सारे प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और एक सही और प्रॉपर डाइट प्लान बहुत जरूरी है। काफ़ी टाइम हम पेशेंट को डाइटिशियन के पास रेफर करते हैं उनके बॉडी और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनवाने के लिए। तो एक डिस्कशन हुआ हमारा हिपैटोमिगैली विद फैटी लीवर के ऊपर में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हिपैटोमिगैली और फैटी लीवर इस दोनों पे अगर सेपरेटली भी आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप सभी का जवाब देने का, नहीं तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके सभी क्वेरीज का जवाब दे दूंगा। अगला वीडियो जो होगा हमारा वो मैंने सोचा है लीवर सिरोसिस पर। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था लीवर सिरोसिस के बारे में, तो आई विल ट्राई कि मैं ये अगला वीडियो लीवर सिरोसिस पर ही बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।